वेलकम गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे द आर्किटेक्चर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं कि बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर में एक हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर सब्जेक्ट्स का एक टॉपिक है आर्किटेक्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये बीआर कोर्स का फर्स्ट सेमेस्टर में ये एक सब्जेक्ट है, उसमें एक टॉपिक हमें जो एग्ज़ाम्स में आता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस टाइप का आर्किटेक्चर था और बेसिकली सिविलाइजेशन किस टाइप से थी। तो चलते हैं, सबसे पहले जो साइट है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन वो कहाँ पर है। जनरली सारी जितनी भी सिविलाइजेशन पाई गई हैं वो एक नदी के पास पाई गई है, जो रिवर होती है, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है उस टाइम पे रिवर, तो जो रिवर के आसपास ही पाई जाती हैं। तो ये एक इंडस रिवर की वैली में ये साइट पाई गई थी 1856 के टाइम पे, जब लाहौर से कराची के बीच में जो रेलवे ट्रैक्स बिछाई जा रही थी उस टाइम पे, जो खुदाई हुई थी उसी दौरान यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जिससे पता चला था कि यहाँ पे पहले कोई एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। तो यहाँ पे एक हड़प्पा साइट, उस टाइम की हड़प्पा साइट अब यहाँ पर मिली है। 1856 के टाइम पे इस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया था, लेकिन बाद में 1920 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक टीम थी जिसकी हेड थे मिस्टर दयाराम सहनी और मिस्टर माधव स्वरूप वत्सा, तो इनके द्वारा वहाँ पे और फर्दर रिसर्च करी गई, वहाँ पे खोजबीन जारी गई, तो पता चला था वहाँ पे एक पहले बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा शहर था बेसिकली वहाँ पे, तो उसी की सिविलाइजेशन है। लेकिन 1925 में एक और साइट मिली जो कि हड़प्पा साइट से 400 माइल्स साउथ की तरफ मिली थी, वो मोहनजोदारो थी। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जितना भी पार्ट है हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के आसपास का रीजन है। बाद में और दो तीन साइटें मिली, मोहनजोदारो, लोथल, या ये सब इंडियन साइट में जितनी भी साइट है वो ये सब साइटें हमें बाद में मिली, लेकिन जो हमारी मेन साइट है जो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे वो यही है इंडस वैली सिविलाइजेशन की दो साइट, हड़प्पा साइट एंड मोहनजोदारो साइट। तो ये हमारी हड़प्पा साइट है, ये कराची है और ये लाहौर है, इन दोनों की इन दो शहरों के बीच में रेलवे ट्रैक जब बिछाई जा रही थी तब ये मोहनजोदारो साइट और ये हड़प्पा साइट, पहले हड़प्पा साइट मिली थी 1920 में, फिर 1925 में ये मोहनजोदारो साइट मिली थी। ये आज का पाकिस्तान है, ये आज के पाकिस्तान में लाई करती हैं ये दोनों साइटें, और ये इंडिया है, इंडियन साइट भी हैं, ये एक लोथल साइट है जो कि अभी इंडिया में है, गुजरात में। तो ये आज के टाइम पे मोहनजोदारो की इमेज है, ऐसी दिखते हैं मोहनजोदारो। तो अगर हम सिटी प्लानिंग की बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिटी थी बहुत ज़्यादा हाईली प्लान सिटी थी, वो एक आयरन ग्रिड पैटर्न पर बेस की गई थी। आयरन ग्रिड पैटर्न जो कि बहुत ज़्यादा प्लान पैटर्न होता है, जैसे हम चंडीगढ़ आज के टाइम के चंडीगढ़ सिटीज़ में जितनी भी प्लान सिटीज़ हैं जो बाद में डेवलप की गई हैं, इंडियन एग्जाम्पल में चंडीगढ़ जो है वो एक आयरन ग्रिड पैटर्न का एग्जाम्पल है। तो इसी टाइप से ये वाली सिटीज़ भी प्लान की गई थी आयरन ग्रिड पैटर्न पे। तो आयरन ग्रिड पैटर्न पे जितनी भी इनकी स्ट्रीट्स थी, जो मेन रोड थे वो बहुत चौड़े हुआ करते थे, और जो मेन रोड थे वो जनरली साउथ और नॉर्थ साउथ एक्सिस की डायरेक्शन में जितने भी रोड हुआ करते थे उनके मेन रोड हुआ करते थे, और ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे जितने भी रोड हुआ करते थे वो उनके सब रोड हुआ करते थे जो कनेक्टेड हुआ करते थे मेन रोड से। जो ये सिटीज़ थी ये इनके चारों ओर अलग अलग डायरेक्शन में माउंट्स हुआ करते थे, टीले हुआ करते थे, ये सिटी जनरली उन टीलों पर ही बेस थी, उन टीलों पर इनके हाउसिंग थे, इनके मार्केट प्लेसेस थे उन्हीं टीलों पर। मोहनजोदारो में जो टीला था, जो वेस्ट की तरफ टीला था वो बहुत हाईएस्ट टीला था उनके वेस्ट की तरफ, और जो हड़प्पा सिटी में जो इनके टीले थे वो भी हाईएस्ट था वेस्ट की तरफ, लेकिन वो स्लाइटली हाई था ईस्ट वाले टीले से, जो ईस्टर्न माउंट था वो स्लाइटली डाउन था और वेस्टर्न जो माउंट था हड़प्पा सिटी में वो स्लाइटली हायर था, लगभग अराउंड दोनों सेम ही हाइट के थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस था, जो वेस्टर्न साइड वाला माउंट था वो ज़्यादा था। और ये यूज़ किया करते थे पब्लिक बिल्डिंग, हाउसिंग बिल्डिंग, मार्केट एरियाज, उन पर बिल्डअप किया करते थे उन माउंट्स पे।
ये मोहनजोदारो का एक सिटी मैप है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह पूरे आयरन ग्रिड पैटर्न है, ये जो जितनी लाइन है आयरन ग्रिड पैटर्न है। ये उस टाइम के हिसाब से काफ़ी एडवांस था, लेकिन अब देखेंगे तो काफ़ी रेगुलर है, लेकिन फिर भी काफ़ी पुरानी सिटीज़ हैं उस हिसाब से ये बहुत ही एडवांस सिटी थी। सिटी प्लानिंग में और बात करते हैं तो इनके जो जनरली इनकी सिटीज थी वो स्टार मूवमेंट, स्टार जो कॉन्स्टलेशंस मूवमेंट थी, जो सन मूवमेंट थे उनके अकॉर्डिंगली प्लान किया करते थे। एस्ट्रोलॉजी को बहुत काफ़ी ये ध्यान देते रहते थे अपने बनाने में, घर बनाने में, सिटी बिल्डअप करने में काफ़ी ध्यान दिया करते थे। जो घरों की आउटर वॉल है काफ़ी 2-3 बार इन्होंने बनाई थी, कोई इस जैसे आज के टाइम में हम सिंगल बाउंड्री कर देते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, ऐसा नहीं था वहाँ पे। उन्होंने बहुत ही ब्रेक्ड बाउंड्री बना रखी थी, 2-3 बार बाउंड्री बना रखी थी। और जो पूरी सिटी की फोर्टिफिकेशन है, मतलब सिटी का पूरी आउटर जो वॉल है वो भी कर्व थी, उनकी प्लेन या फिर लीनियर नहीं थी, वो कर्व लीनियर फोर्टिफिकेशन थी उनकी सिटी की। और जो सिटी की आउटर वॉल है वो 9 मीटर इन थिकनेस थी, और बेस्टियंस को इंक्लूड कर दे तो वो 11 मीटर हुआ करती थी। बेस्टियन एक कुछ कुछ लेंथ पर एक कर्व लाइन का, जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं, ये जितने भी कर्व करके जो आउटवर्ड निकले हुए हैं इसे बेस्टियन कहा जाता है। तो कुछ कुछ डिस्टेंस पर सिटी के फोर्टिफिकेशन में जितने भी आज के टाइम में हम फोर्ट देखते हैं, जैसे रेड फोर्ट है, लाल किले के बाहर भी ये सब दिखता है, ये तो सिटी फोर्टिफिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आज के आर्किटेक्चर में हम देखते हैं। लेकिन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भी ये चीज़ें यूज़ हुआ करती थी। और सिटी की जो आउटर सिटी की जो ये वॉल है, इसमें जो ओपनिंग रहती थी मेन ओपनिंग, जिसमें शहर के अंदर या शहर के बाहर जाया जा सकता था, वो सिर्फ 2.8 मीटर इन विर्थ हुआ करती थी। सिर्फ इतना कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही कार्ट जा सकती है या आ सकती है, वो ज़्यादा चौड़ी वो नहीं बनाया करते थे उस टाइम पे उनकी विर्थ। और इसमें माना जाता है कि जो इनकी वॉल है, इस वॉल में जो ओपनिंग है जिससे अंदर या बाहर जाया जा सकता है, मेन गेट, उसको भी ऊपर से कवर कर दिया करते थे। जैसे कि ये बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन का नहीं है इमेज, ये दूसरी इमेज है, लेकिन इसे बेस्टर्न को समझाने के लिए इसमें मैंने इंक्लूड कर दी गई है। तो इस जो वॉल की ओपनिंग भी ये कवर कर दिया करते थे, उसके ऊपर कोई भी स्टोन से या फिर ब्रिक से वो कवर कर दिया करते थे, और उसके ऊपर एक गार्ड को खड़ा कर दिया करते थे, जिससे कि एक तरह से वॉच टावर का वो एक्ट करे, पूरी वॉल जो है जिससे दूर से देख सकें कोई उन पर अटैक तो नहीं कर रहा है। बेसिकली सेफ्टी के लिए भी था और ये पैसेज के लिए भी था, तो इस हिसाब से उन्होंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया था। आगे चलते हैं इनके द ग्रेट बाथ। पूरे सिटी में जैसे मोहनजोदारो की पूरी सिटी जो थी बीच में बहुत सेंट्रली डिप्रेस्ड थी, अगर मोहनजोदारो की बात करते हैं तो उसमें बीच में एक बहुत गहरा गड्ढा हुआ करता है वहाँ पे, जिसमें पानी भर जाता है, बेसिकली अब गड्ढा है तो पानी भर जाता है। उन्होंने उस चीज़ को ग्रेट बार डेवलप किया गया, उसमें एक टैंक बना दिया गया जिसमें पानी भर देते थे। उस टैंक की जो लेंथ है वो 11.8 मीटर है, और जो 7 मीटर वाइड है, और 2.43 मीटर डेप्थ में है। उस बात के टैंक में स्टेयर केस हैं दोनों तरफ, उसके नीचे जाने के लिए और उसके ऊपर आने के लिए स्टेयर्स केस प्रोवाइड करी गई है। बेसिकली एक पब्लिक बाथिंग एरिया था जिसमें बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, जो हम बात करके पानी यूज़ करेंगे तो जो वेस्ट वाटर है वो टैंक में ना, दोबारा टैंक में ना जाते हुए बाहर किसी एक ड्रेन में चला जाएगा। तो इस हिसाब से वो बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पे, क्योंकि अब ये बाथिंग एरिया है तो वहाँ पे चेंजिंग रूम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वुमेन्स के लिए वहाँ पे साइड में बहुत सारे रूम्स बना रखे हैं उन्होंने, जिसमें वुमेन्स चेंजिंग एरिया है वो बेसिकली। जो ये हम इमेज देख सकते हैं, ये द ग्रेट बाथ है, ये प्लान है, ये इसका व्यू है द ग्रेट बाथ। यहाँ पे एक वाटर बॉडी है जिसमें स्टेयर केस है, इसमें नीचे या ऊपर जाने के लिए स्टेयर केस है, और साइड में जितने भी रूम हैं रूम बना रखे हैं, जिससे चेंजिंग वुमेन चेंजिंग एरिया है, मैन भी यूज़ कर सकते हैं जिसको यूज़ करना है। और ये साइड में इन्होंने ड्रेन आउटलेट दिया गया है, ये ईस्ट डायरेक्शन में ड्रेन आउटलेट है, और इसके साइड में एक वेल है।
ये वेल यूज करते हैं इसको रिफिल करने के लिए। यहाँ से पानी निकाल के इस ग्रेट बाथ को रिफिल किया जाता है, इसमें पानी डाला जाता है। और ये जो वेल है ये भी एक रूम में एनक्लोज्ड है। ये जो ग्रेट बाथ है इसका जो फ्लोरिंग है वो एक बेक्ड क्ले ब्रिक से बनाई गई है। मतलब जो आज के टाइम में हम ब्रिक यूज करते हैं वो बेक्ड ब्रिक होती है, उसी की इन्होंने फ्लोरिंग करी है इस ग्रेट बाथ में। तो ये उस टाइम पे काफी एडवांस चीज थी, इन्होंने ब्रेक ब्रिक का भी इन्होंने अपनी इसमें यूज किया गया है। जो मटेरियल और कंस्ट्रक्शन स्टाइल, क्या मटेरियल यूज किया करते थे उस टाइम के लोग, जब सेटलमेंट जो है एक रिवर के पास है, तो रिवर के पास जितनी भी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, तो जनरली जितना भी मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए होगा वो सैंड सॉइल या क्ले से ही रिलेटेड होगा। तो वहां पे जो इनका मटेरियल था वो क्ले, ड्राई ब्रिक यानी सन ड्राइड ब्रिक, जो भी मतलब क्ले को गीला करके उनकी शेप बना के धूप में सुखा दी तो सन ड्राइड ब्रिक हो गई। उसी सन ड्राइड ब्रिक को अगर उन्होंने बेक कर दिया तो बेक ब्रिक हो गई। तो ये इन टाइप के मटेरियल्स जनरली यूज किया करते थे वहां पे। जो ब्रिक हुआ करती थी वो दो टाइप के ब्रिक यूज किया करते थे। एक जो यूज किया करते थे हाउसिंग में, जितनी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जितनी ब्रिक यूज किया करते थे वो हुआ करती थी 7 सेंटीमीटर बाय 14 14 सेंटीमीटर बाय 28 सेंटीमीटर साइज की ब्रिक यूज किया करते थे, जो घरों में कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। और जो सिटी फोर्टिफिकेशन में जितनी इनकी ब्रिक्स यूज की गई हैं वो 10 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर की यूज की गई हैं। अच्छा, दोनों साइज में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों का एक ही जैसा ब्रिक रेशियो है, साइज रेशियो 1:2:4। अब इनका एक साइज है, इससे इनका ये फायदा होता है इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया अपनी ब्रिक साइजेस का। तो जो भी कम्युनिटी, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल को डेवलप किया करते थे, उनका ये बिजनेस हुआ करता था कि ब्रिक को डेवलप करेंगे, तो उनको बहुत फायदा हो जाता था इस चीज से कि एक एक साइज का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। आज के टाइम में भी हम देखते हैं तो काफी स्टैंडर्डाइजेशन हम मान के चलते हैं, इंडिया में है आईएसओ स्टैंडर्डाइजेशन, काफी प्रोडक्ट पे हम आईएसओ देखते हैं। सॉरी, जो इंडिया में है वो आईएसआई स्टैंडर्डाइजेशन है, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन है वो आईएसओ स्टैंडर्डाइजेशन है। तो मतलब आज के टाइम भी स्टैंडर्डाइजेशन काफी यूजफुल है। तो ये लोग अपने अपनी सिविलाइजेशन में भी स्टैंडर्डाइजेशन करते थे। जो फाउंडेशन, जो सिटी वॉल के फाउंडेशन में हमें काफी जो ट्रेसेस मिलते हैं, जैसे कि एक्सकवेशन हुए थे जो सिटीज के वहां पर सिविलाइजेशन के टाइम, तो पता चला कि वहां पे मड ब्रिक, बेक्ड ब्रिक स्टोन की सिटी वॉल में फाउंडेशन यूज की गई है। जैसा कि पहले बता रहे थे, वेट एरिया में जो बाथरूम है या ड्रेन है, क्योंकि उनका बहुत अच्छा कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था। आज हम देखते हैं आज के टाइम में भी हमारी बहुत कंट्री में ऐसी काफ़ी सिटीज़ हैं जिसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। आज के टाइम भी इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लेकिन ये इतने टाइम पहले की सिविलाइजेशन है, वहाँ पर भी इनका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा है। तो जितना भी वेट एरिया है, बाथरूम या ड्रेन या फिर कोई और भी वेट एरिया, जैसे हम देखते हैं द ग्रेट बाथ का जो है फ्लोरिंग, ये भी वेट एरिया है, तो इन्होंने इन्होंने ड्राई बेक्ड ब्रिक का यूज किया गया है फ्लोरिंग पे। और जो रूम में जो नॉर्मली रैम्ड अर्थ, मतलब रैमिंग होती है अर्थ की, अर्थ सोइल को बहुत तेज प्रेशर से दबाया जाता है, उस प्रोसेस को रैमिंग कहते हैं। तो उसको अर्थ सोइल को रैमिंग करके उनको दबा के ताकि बाद में फर्दर और नीचे ना बैठ जाए वो, इसलिए पहले पर रैम करके उसके ऊपर एक क्ले की कवरिंग कर दिया करते हैं। आज के टाइम में विलेज में ऐसा देखने को मिलता है, ये चीज तब भी ये लोग क्या करते थे अपनी सिविलाइजेशन में। तो रूम्स में ये नहीं किया करते थे, जो फ्लोरिंग है वैसी फ्लोरिंग नहीं किया करते थे, ब्रिक फ्लोरिंग नहीं किया करते थे, सिर्फ ये क्ले फ्लोरिंग कर दिया करते थे, और जो वेट एरिया उसमें ये ब्रिक फ्लोरिंग किया करते थे। अब ये टिम्बर का भी अच्छा यूज किया करते थे, जो डोर है, डोर बनाने में टिम्बर, उनके फ्रेम, डोर फ्रेम में भी टिम्बर है, जो विंडो शटर्स हैं वो भी टिम्बर के हुआ करते थे, जो विंडो फ्रेम है वो भी टिम्बर के हुआ करते थे। और ये क्या, रूफिंग में ये टिम्बर के बीम यूज़ किया करते थे, टिम्बर की बीम आज भी देखने को मिलती है, टिम्बर की बीम ये यूज़ किया करते थे। उसके ऊपर जो ड्राइड ग्रास होती है, जिसे
इसके ऊपर ड्राइड ग्रास डाल दिया करते थे, जिससे क्या एक कवरिंग होया करती थी, एक छत प्रोवाइड हुआ कर हो जाया करता था, और उसके ऊपर ये एक क्ले का पेस्ट लगा दिया करते थे, जिससे क्या एक तरह से वाटर प्रूफिंग हो जाती थी पूरे रूफ में। तो ये इस टाइप की रूफिंग सिस्टम यूज़ किया करते थे उस टाइम पे पहले, और इसमें थोड़ा एस्थेटिकली गुड के अच्छा दिखे एस्थेटिकली, तो डोर फ्रेम पे वुडन डोर फ्रेम हुआ करता था, तो उसमें कार्विंग कर दिया करते थे। टेराकोटा भी मटेरियल कई जगह पे देखा गया है, यूज़ किया गया है, एक्सकवेशन के टाइम पे मिले हैं उसके ट्रेसेस। जो वॉल की थिकनेस हुआ करती थी वो 70 मीटर थिक हुआ करती थी उनकी वॉल की थिकनेस, और जो वॉल की हाइट है ओवर 3 मीटर, सीलिंग हाइट जो होती थी 3 मीटर से ज़्यादा हुआ होती थी उनके टाइम पे। जो घर बनाने की टेक्निक है वो कुछ इस टाइप से कि उनका सेंट्रल कोर्ट यार्ड हुआ करता था। सेंट्रल कोर्ट यार्ड में क्या है, बीच में एक इस टाइप से सेंट्रल कोर्ट यार्ड है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसी का, ही सेंट्रल कोर्ट यार्ड है, उसके चारों तरफ कुछ रूम्स बना डेवलप करते थे, और उस रूम की जो ओपनिंग है वो सेंट्रल कोर्ट यार्ड में दिया करते थे वो लोग, और उनकी जो विंडो ओपनिंग है वो बाहर स्ट्रीट पे दिया करते थे, जिससे क्या क्रॉस वेंटिलेशन पूरा रूम में होता था, और उस टाइम पे अच्छी चीज़ थी क्रॉस वेंटिलेशन, आज भी अच्छी चीज़ है। मोस्ट ऑफ द घर उनके जो उस टाइम पे रहा करते थे वो मल्टी फ्लोर हुआ करते थे, एक ग्राउंड फ्लोर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, तो ये इतने पुराने टाइम में भी ये मल्टी फ्लोर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का जो टेक्निक है वो जानते थे, और ऊपर जाने के लिए ये वुडन लैडर्स का भी यूज़ किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो एक्सकवेशन के टाइम में हैं ये वो हमें मिलती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हम एग्जाम से पहले पढ़ सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर के एग्जाम में। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू।